हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा फिट इंडिया जो ये स्टार्ट किया काफी अच्छे, इससे हम सब फिट रहेंगे। और मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम सबको ऐसे खेलों में पार्टिसिपेट लेना चाहिए और अपने, ताकि हम भी फिट रह सकें। I think it's the best way to communicate with other students of all of district and especially with the Kashmiri regions. I think it's the best platform to unite all the team and communicate. So I think it's the best way to communicate. कोई भी गवर्नर ट्रॉफी है या फिर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप है, स्टेट चैंपियनशिप है, इससे यूथ जो है ये ड्रग विक्टिम जो हो रहे हैं इससे डिस्ट्रैक्ट रहेगी। आज के इस मॉडर्निटी में दौर में हर स्टूडेंट जो है वो ड्रग का विक्टिम हो रहा है, तो ये एक जो है गोविंद का बड़ा स्टेप है जिससे हम बच सकते हैं। आज के टाइम पे इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है क्योंकि ये आजकल जो बच्चे हैं वो टोटली डिपेंडेंट पढ़ाई पे ना हो, क्योंकि स्पोर्ट्स की बहुत वैल्यू है हमारी लाइफ में। इस टूर्नामेंट की वजह से हमारी जो गर्ल्स हैं उधमपुर की, जेएनके की, जितनी भी गर्ल्स हैं उनको मतलब कि चांस मिलता है कि हम खेल पाएं और फर्दर मतलब आगे हम पहुंच पाएं। यहाँ पे ना मतलब गेम्स के बारे में इतना प्रिविलेज हमें नहीं मिल पाता है, पर थैंक्स टू आवर पीएम नरेंद्र मोदी जी, उनकी वजह से कुछ ना कुछ मतलब कि हो रहा है, कुछ ना कुछ गेम्स में बढ़ावा मिल रहा है, एजुकेशन में बढ़ावा मिल रहा है, लड़कियों को आगे भेजा जा रहा है। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ परिवार, जो साथ चलना जाने, चाहे किसी संकल्प को पूरा करना हो या कामयाबी की उड़ान भरनी हो, माननीय प्रधानमंत्री हमेशा हमारे